हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज कैसाडिला विथ होममेड टॉर्टिलास। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड कैप्सिकम, बॉइल्ड कॉर्न, चॉप्ड पनीर, चॉप्ड ऑनियंस, चॉप्ड येलो कैप्सिकम, चॉप्ड पर्पल कैबेज एंड बेबी कॉर्न। इस आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो एंड सॉल्टेड बटर। यहाँ हम टॉर्टिलास, होममेड टॉर्टिलास बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सॉल्ट और 2 टीस्पून ऑयल डाल के आटा बनाया है। एक कप आटे से हमारे 4 से 5 टॉर्टिलास बन जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब मैं इस आटे को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके 4 से 5 लोइयां तोड़ लूँगी। टॉर्टिलास हमें थोड़ी पतली अब हमें जितना सूखा आटा लगे उतना लेके इसे पतली रोटी की तरह बेलना है हमें। इसे हमें जितना हो सके पतला बेलना है और थोड़ी बड़ी बेलेंगे हम इसे। आप देख सकते हैं मैं काफ़ी पतला बेल रही हूँ उसको, और ये हमारे बेल के रेडी हो गई है। और इसे मैंने मीडियम गैस पे हमें सेकना है, दोनों साइड से बबल्स आए उतना हमें सेकना है। एक तरफ सेक जाए तो कपड़े की मदद से हमें इसे हल्के से प्रेस करते हुए इस तरफ से सेकना है। इसी तरह मैं दूसरे भी टॉर्टिला रेडी कर लूँगी। गैस को हमें मीडियम पे ही रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है। अब किसी स्पैचुला या कपड़े की मदद से इसे प्रेस करते हुए हल्के हाथों से ही सेकिए। इस तरह देखिए अब मैंने पूरे रेडी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमें वेजेस को फ्राई करना है। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है जिसे मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसमें अब मैं हाफ टी स्पून सॉल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ वेजेस फ्राई करने के लिए। सबसे पहले मैं चॉप्ड ऑनियन डालूँगी। ऑनियन फ्राई होने थोड़े फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें सारे वेजेस एक एक करके डालते जाऊँगी। मैंने यहाँ कैप्सिकम डाल दिया है, रेड, ग्रीन एंड येलो। अगर आपके पास रेड भी अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बेबी कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न, और मैं पनीर यहाँ पे सबसे लास्ट में डालूंगी क्योंकि उसे कुक होने में टाइम नहीं लगेगा। वेजीज को हमें ओवर कुक नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगी क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर लिया और पनीर भी डाल चीज भी डालने वाले हैं, इसलिए आपको सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है। अब मैं यहाँ पे पनीर ऐड कर दूंगी और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालूंगी और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालूंगी और हमारे वेजेस बनके रेडी हो जाएंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। एक बार सब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हमारा बनके रेडी हो गया है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमें पैन के ऊपर टॉर्टिला को रखना है और उसके ऊपर खाली एक ही साइड में हमें सारे वेजेस को स्प्रेड करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से वेजेस रख रही हूँ उसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे मोजरेला और सिंपल चीज़ दोनों ही लिया है, आप चाहे तो कोई भी एक टाइप का चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर पर्पल कैबेज डालूंगी, इससे बहुत अच्छा क्रंचीनेस आएगा इसमें। और इसे हल्के से प्रेस करते हुए इसे हमें क्लोज कर लेना है। अब इसमें बटर लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप देख सकते हैं एक तरफ से मैंने अच्छे से सेक दिया है। इसी तरह प्रेस करते हुए मुझे दोनों तरफ से हमें सेकना है। एक बना के मैंने रेडी कर लिया है, इसी तरह हमें बाकी सारे भी कैसेडिला को रेडी कर लेना है। इसी तरह हम दूसरे भी बना के रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने वेजीज डाला, उसके ऊपर चीज़ और उसके ऊपर कैबेज। कैबेज अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन कैबेज का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेट्यूज का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी क्रंचीनेस अच्छा आता है। और इस तरह बटर लगाते हुए हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। आप इसे मीडियम गैस पर ही सेकें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आऊँगी भाजी शॉर्ट्स, उसे देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह नई नई रेसिपीज़ के साथ मैं आपसे मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।